गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर नीता मवार और मैं पुणे से हूँ। मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट भी हूँ, पर मुझे एफडी का पता चला तो मैंने कहा ये जरूर देखना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीख के कि हम काफ़ी कुछ चीज़ें अपने ऊपर ही कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये सीखा तो मैंने शाम को जब इसको प्रैक्टिस करा अपने ऊपर तो मुझे बहुत आराम आया, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे उससे बहुत रिलैक्सेशन फील हुआ और मेरे जो कुछ बॉडी पेन्स हो रहे थे वो भी उससे कम हुए। तो ये तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मैं और लोगों के ऊपर ट्राई करूँ। इसके साथ साथ मेरी अपनी एनर्जी लेवल भी थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि जो मैं कहीं जाती नहीं थी लोगों से मिलने के लिए, मैं खुद वहाँ पे गई और लोगों से बात करी। हम लोग एक वुमेंस डे वाला मना रहे हैं तो उसमें मेरी काफ़ी एनर्जी लेवल हाई हो गई, काफ़ी काम करा। मेरी जो सर्वेंट आती है उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो काफ़ी टेंस थी कल, उसको कहीं बहुत सारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। तो फिर मैंने बोला बैठ के मैं तुम्हारा देखो ठीक करती हूँ। तो एफडीपी में जो सारे पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई करे वो देखा उसका, फिर उसको हमने ट्रीटमेंट भी करा, डायग्नोज करके फिर जो ट्रीटमेंट करा फिर उसे लगा मुझे बहुत रिलैक्सेशन फील हो रहा है। अब मुझे उसको एक मंदिर में जाना था, उसने कहा अब मैं बहुत आराम से वहाँ जा सकती हूँ और उसको अच्छा लगा। तो मुझे अच्छा लगा कि उसको कुछ मैंने बुला के अपने आप से उसको वो ट्रीटमेंट दिया, उसने नहीं मेरे पास आई थी। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से मैं शुरुआत कर सकती हूँ और लोगों को भी इस तरह के ट्रीटमेंट देने में। सो आई थिंक इट वॉज क्वाइट नाइस लर्निंग ऑन दिस इन दीज टू डेज। वी हैव लर्न क्वाइट अ लॉट एंड सिंस एज अ रिसर्चर आई बीन वेरी क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग, बट वेन वी डू इट ऑन आर ओन विद द डेमोन्स्ट्रेशन आई थिंक द वे द ट्रेनिंग वॉज गिवन वॉज वेरी गुड, विद ऑल द पिक्चर्स, विद ऑल द डायग्राम, विद द एक्सरसाइजेज ऑफ डूइंग विद ईच अदर एंड देन ओवरलैपिंग इट ऑल्सो। द बेस्ट वॉज यू नो द कंटी एफडीपी करा, उसके साथ हम उसे वो देख रहे हैं ट्रीटमेंट एंड विद द प्लैनेट्स ऑल्सो। सो देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मूव्स एंड एवरीथिंग आई लाइक टू रिलेट। आज जो मैंने करा कि उसको स्टमक ट्रबल था, उसको लिवर प्रॉब्लम भी था, तो वो जो प्लैनेट से हाउ इट सीक्स यू नो बिकम्स काइंड ऑफ सिम्बियोटिक विद द प्लैनेट ऑल्सो। वो जो आप सीख रहे थे तो वो समझ आया कि ये सबका रिलेशनशिप है। सो वी आर ऑल पार्ट ऑफ द बिग नेचर विद द यूनिवर्स और हम लोग इन सब चीज़ों से कनेक्ट होते आ रहे हैं। आई थिंक दैट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ द गॉड जो बोलते हैं हमारे अंदर है, एंड वी आर ऑल विद द गॉड, सो वी सी दैट रिलेशनशिप ऑल देयर। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई एंजॉयड द होल थिंग एंड आई वुड लाइक टू हेल्प आउट इन एवरी वे आई कैन विद दिस ट्रीटमेंट। सो इट हैज बीन वेरी यू नो एम्पावरिंग दैट वी हैव लर्न समथिंग वेरी नाइस एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट इन फ्यूचर। Thank you very much.